नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारा मेरे चैनल पे कमेंट किया है कि डाम बल्ब क्या होते हैं, डाम बल्ब क्यों लगा रहते हैं और ये किस काम के लिए लगा रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तो चलिए डाम बल्ब के बारे में हम लोग बात करेंगे। यही वो डाम बल्ब है जो कि आपका एक बोगी में दो डाम बल्ब लगा रहते हैं और ये आपका एक एक्सेल के लिए एक डाम बल्ब लगा रहते हैं। और देखिए ये जो एक एक्सेल है, एक्सेल में आपका इधर एक डिश है और एक्सेल में उधर एक डिश है, मतलब एक डाम बल्ब ऑपरेट करेंगे किसको, ये दोनों एक एक्सेल का आपका दोनों डिश जो है और दोनों जो आपका ब्रेक सिलेंडर है उनके प्रेशर को नियंत्रण। तो इधर ये डाम बल्ब लगा हुआ है किसमें, मतलब आप ब्रेक के लिए आप समझ रहे हैं तो देखिए एक नंबर एक एक्सेल के लिए और उधर देखिए ये दो नंबर और एक एक्सेल की एक बोगी। तो मतलब उस तरफ में जो बोगी है वो बोगी में सेम टू सेम दो रहेंगे। तो एक कोच में आपका चार एक्सेल है और चार एक्सेल में चार डाम बल्ब आपको लगा रहेंगे और वो WSP सिस्टम यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम में वो लगा रहेंगे। आपका ब्रेक कंट्रोल पैनल बोर्ड जो है, इस पैनल बोर्ड में सभी ऑपरेटिंग होते हैं, जबकि आपका BP AP प्रेशर और आपका शेयर प्रेशर और आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर सब रेडी हो जाते हैं। तो इसमें ब्रेक सिस्टम रेडी हो जाता है, आपका ब्रेक का सिस्टम जब रेडी हो जाता है तभी, अभी आप लोग जानते हैं कि बीपी प्रेशर ड्रॉप करने से गाड़ी में मेरा ब्रेक लगता है, मतलब एक कोच में या तो एक रेक में, इंजन से होने दीजिए चाहे आपको टेस्टिंग में होने दीजिए, बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ब्रेक सिलेंडर जो है, ब्रेक सिलेंडर में हवा दौड़ेंगे किसके जरिए ना, ये DV जो पैनल बोर्ड है, मतलब ब्रेक सिस्टम के जो LHB में पैनल बोर्ड है उसके जरिए। तो कहाँ से जाएंगे, जबकि इसमें भी आपका BC पाइप 1-2 दिया हुआ है और उसके इंडिकेटर आपको इधर रखा गया है, एक आपका इसके लिए इस तरफ के लिए, एक आपका इस बोगी के लिए। तो मतलब जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होगा तो तभी आपका ये आपका इस बोगी में ब्रेक लगने से एप्लीकेशन होगा और ये आपका इस बोगी में ब्रेक लगने से एप्लीकेशन होगा। तो ब्रेक सिलेंडर में हवा जाएगा तभी ना एप्लीकेशन होगा। तो ब्रेक सिलेंडर के लिए दो पाइप आपका पीछे में DV पैनल बोर्ड का पीछे में दो आपका बोगी में प्रेशर जाने के लिए पाइपलाइन किया हुआ है। तो मैंने एक पाइपलाइन का ऊपर में जाके आप लोगों को देखा है कि देखिए ये एक तो 10 mm का पाइप है, टॉयलेट में जा रहा है, इधर से देखिए ये ब्रेक सिलेंडर में जा रहा है एक बोगी के लिए, इसके बाद में ये जो हुआ आपका AP प्रेशर का पाइप, उसके बाद में जो पाइप जा रहा है ये वाला पाइप आपका फिर से आपका BC2 में जा रहा है, मतलब BC2 इस तरफ में आपका बोगी में प्रेशर के लिए जा रहा है ब्रेक सिलेंडर ब्रेक करने के लिए। और एक जो मैंने दिखाया इस तरफ में, मैं चल के दिखाया पैनल बोर्ड से, इधर से ये जो पाइप आ रहा है ये पाइप आपका 18 mm के पाइप आपका, वो देखिए उधर वो सामने में जो डाम बल्ब का उधर जा रहा है, तो चलिए उधर जाके दिखाएंगे। तो ये पाइप आपका 18 mm का पाइप इधर आया है, ये डायरेक्ट एक डाम बल्ब में गया, इधर देखिए एक टी ज्वाइंट है 18 mm का, ये देखिए जा रहा है, वो आपका दूसरा डाम बल्ब में जा रहा है। डाम बल्ब का इसमें देखिए इधर BP ब्रेक सिलेंडर प्रेशर आए हुए है और इसको एंटी स्कीड वाल्व भी बोला जाता है, सोलेनाइड वाल्व भी बोला जाता है। इसमें देखिए 24 वोल्ट का एक करंट कनेक्शन जंक्शन इसमें इनपुट किया गया है। तो दोनों एक्सेल में दो डाम वाल्व आपका यूज़ किया गया है और उधर देख रहे हैं दो पाइप जो है वो एक ए डाम वाल्व का सप्लाई एक एक्सेल में और दूसरा एक जो है वो दूसरा एक्सेल में आपका फ्लेक्सिबल पाइप से ब्रेक सिलेंडर ब्रेक करने के लिए पूछेंगे। बहुत सारा मेरे चैनल ने पूछा डाम बल्ब का काम क्या है। तो देखिए ये जो LHB जो ट्रेन है या तो कोच है, इसमें देखिए हर एक्सेल में आपका ब्रेक डिस बैठा है। तो ब्रेक डिस जब लगा है तो इसमें आपका व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम
आपको लगा हुआ है, और व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन का ये डाम वाल्व एक पार्ट है, ये प्रेशर स्विच ये और एक पार्ट है जो कि WSP सिस्टम का, और इस एक्सेल बॉक्स जो कवर दिख रहा है ये आपका स्पीड सेंसर केबल लगा हुआ है, और इसके अंदर में फोनिक व्हील है। ये आपका हर एक्सेल में एक एक लगा रहेंगे, यानी डाम वाल्व भी एक एक हर एक्सेल में लगा रहता है, और फोनिक व्हील आपका हर एक्सेल में एक एक लगा रहता है, स्पीड सेंसर केबल आपको लगा रहता है। और एसी गाड़ी है तो आपका ये दरवाजा का बगल में जो इलेक्ट्रिक का पैनल बोर्ड होता है, उधर हमारा WSP का मदर बोर्ड जो है, मतलब CPU बोलने से कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेरा ये सिस्टम को ऑपरेट करता है और ब्रेक को आपको रेगुलाइज करता है, ये सिस्टम आपका ये डम्प वाल्व में किस तरीके से करेंगे अभी मैं इसके देख रहा हूं। हर एक्सेल में दो डिस है, और हर व्हील का नीचे में आपका एक एक सिलेंडर भी रखा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो 8 व्हील होते हैं, मतलब एक कोच में 8 व्हील 4 एक्सेल होते हैं, तो ये जो व्हील का जो डाया होता है, हर टाइम में आपको एक ही किस्म का डाया तो नहीं मिलता है, डाया कम बेसी होता है। तो डाया अगर कम बेसी होंगे तो मेरा जब गाड़ी जब चलते हैं तो उस दौरान इनके RPM जो होते हैं, ये RPM कोई ज़्यादा लेते हैं, कोई RPM आपका कम होता है। तो ज़्यादा RPM में जब रोटेशन होते हैं तो ये WSP सिस्टम में आपका जो फोनिक व्हील के साथ में स्पीड सेंसर का जो केबल लगा है, यही आपको रीडिंग देते हैं कि RPM किसके ज़्यादा है किसके कम है। तो ये सिस्टम से आपको तभी ये बताता है किसको, ये करंट लाइन जो दिया हुआ है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसिंग जो आपका क्रिटिकल जो कंप्यूटर है उनको बताते हैं कि गाड़ी को जब खड़ा करेंगे तभी मेरा जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मैक्सिमम 3 kg/cm² का प्रेशर LHB में आपको मैक्सिमम इनपुट होता है ब्रेक सिलेंडर में, तो उनको नियंत्रण करना है, और एक ही साथ में आपका पूरा व्हील सेट को खड़ा करना है। तो उस दौरान अगर मेरा डाम वाल्व काम नहीं करेंगे तो आपको ये गाड़ी कोई व्हील आपको आगे खड़ा होगा, कोई व्हील आपको पीछे खड़ा होगा। अगर आगे पीछे खड़ा होंगे तो हमारा ये व्हील ट्रेड में आपको सेल ट्रेड आएंगे, मतलब स्कीडेड व्हील हो सकता है। तो इसीलिए ये आपका डाम वाल्व का व्यवस्था किया गया। आप लोगों ने जाने हैं कि डाम वाल्व का व्यवस्था किया गया है किस लिए, कि मेरा व्हील सेट छोटा बड़ा में RPM ज्यादा कम होने के लिए। तो जो आपका चक्का ज्यादा जोर से घूमेंगे उस सिलेंडर में ज्यादा प्रेशर, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ज्यादा देने से थोड़ा, तो आपका जो कम रोटेशन होता है उसका साथ में खड़ा करने के लिए ये जो प्रेशर रेगुलेट करते हैं, ये कौन करते हैं, ये डाम वाल्व करते हैं। डाम वाल्व को कौन बताते हैं, फोनिक व्हील सेट बताते हैं। फोनिक व्हील सेट को कौन बताते हैं, कि फोनिक व्हील आपका कंप्यूटर में बताते हैं। आप कंप्यूटर ये डाम वाल्व को ऑर्डर करते हैं कि फलाना जो आपका इफेक्टिव जिसको ज़्यादा प्रेशर लगेगा उसको ये क्या करेगा, ये आपका सोलेनाइड वाल्व है और एंटी स्किड वाल्व भी बोलते हैं, डाम वाल्व भी बोलते हैं। ये सोलेनाइड वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम लगा हुआ है, और मेरा ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जब आएंगे तो ये इन जनरल आपका ऑफ कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ऑन होते हैं, मतलब ऑन होने का मतलब इसमें आपका थोड़ा से जिसमें आपको RPM ज़्यादा है उसको एक ही साथ में खड़ा करने के लिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देना होगा, और जब गाड़ी रिलीज होंगे तो एक ही टाइम में ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा प्रेशर को भी एक इसी में से एग्जॉट पॉइंट है, इसी में से एग्जॉट कर देंगे, और अदर जो आपका एक्सेल है डम वाल्व है उसी का साथ में एक ही साथ में रिलीज करेंगे। अगर ऐसी नहीं होते हैं तो आगे पीछे रिलीज होने में गाड़ी में आपका ये जो आपको एक्सेल फंसा रहेंगे वो एक्सेल में स्कीडेड व्हील होते शुरू हो। हमेशा देखता है कि कुछ गाड़ी जब आप लोग रोलिंग देखते हैं बहुत जोर से, ये आपका जो व्हील का इधर से बहुत जोर से आवाज आता है स्कीडेड व्हील का शरीक, मतलब वो व्हील में आप स्ट्रेट में कुछ देखेंगे
कुछ दागी दागी का शरीर, कुछ घिसा घिसा का शरीर रहते हैं, तो वो किस लिए होते हैं आप लोगों को वो पता चल गया है। तो ये आपका एंटी स्कीड भाल बोल रहा है और मैंने बोल रहा है कि इस कारण से ये स्कीडेड व्हील हो रहा है, तो अगर एंटी स्कीड ठीक से काम करेंगे तो स्कीडेड व्हील होने का उम्मीद नहीं रहेंगे, मतलब डाम वाल्व अगर ख़राब होंगे, इसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं होंगे, तो गाड़ी में मेरा जिस कोच में इस सिस्टम ठीक से प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो मेरा चक्का जो है, मेरा व्हील प्रोफाइल जो है, व्हील ट्रेड जो है, तो उसमें क्या होगा, आपको स्कीडेड, सेल्टेड और फ्लैटेड कुछ आपको पोर्शन दिखने लगेंगे और वो पोर्शन जब आपका ये लाइन में चलेंगे तो इस तरीका के बहुत जोर आपको आवाज़ सुनने मिलेगी स्किडेड व्हील का। तो डाम वाल्व का काम आप लोग समझ समझे होंगे कि मेन है एंटी स्कीड वाल्व, मतलब ये व्हील को एंटी स्कीड होने से बचाते हैं, और ये डाम वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है प्रेशर माने न्यूमेटिक सिस्टम में चलते हैं, तो ये न्यूमेटिक इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम से जो काम करते हैं, ये काम अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो स्कीड। इस तरीके से आप लोग शायद समझ पाए होंगे कि एक जो डाम वाल्व है, ये डाम वाल्व किस तरीके से काम करता है, उसका क्या काम है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, कुछ जानकारी से कमेंट में से कमेंट करिए, चैनल पे नया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।